हेलो गाइस, वेलकम टू स्मार्ट किचन। आज हम बनाएंगे तुरई की सब्ज़ी। आप इस तरीके से तुरई की सब्ज़ी बनाएंगे तो सभी उंगलियां चाट चाट के खाएंगे। यहाँ पे मैंने तुरई की सब्ज़ी बनाने के लिए 500 ग्राम तुरई ले ली है। इसका इस तरीके से छिलका उतार लेंगे और इसको दो पीसेज में कट करके अच्छे से वॉश कर लेंगे। और इसको बीच में जीरा लगा के छोटे छोटे पीसेस कट कर लेंगे। इस तरीके से सारे तुरई हम कट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने सारे तुरई कट कर लिए हैं। अब हम दो बड़े टमाटर, दो प्याज, दो हरी मिर्च लेंगे। यहाँ पे मेरा ऑयल गरम हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे तेज़पत्ता, जीरा, थोड़ा सा तेज़पत्ता और जीरा पक जाए उसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज। प्याज को हम थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक भुनेंगे। थोड़ा सा ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटी हुई टमाटर। इसको अच्छे से चलाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ताकि मेरा प्याज और टमाटर अच्छे से गले। अब हम इसमें कटा हुआ तुरई डाल देंगे। दो मिनट तक इसको पानी छूटने देंगे तब हम इसमें डालेंगे हल्दी। यहाँ पानी छूट गया है, अब हम इसमें डालेंगे हल्दी एक बड़ी चम्मच। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करके इसको 5 से 7 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे ढक देंगे ताकि इसमें से पानी छूटे। अच्छे से 5 से 7 मिनट के बाद इसको चलाएंगे। पानी अच्छे से छूट गया है, अब इसको हाई फ्लेम पे ही पानी सुखाएंगे। मैंने हाई फ्लेम पे 5 से 7 मिनट सुखा लिया है। अब इसमें तेल छूटने लग गया है। तेल छूटने लगे तभी इस भाजी का गैस बंद करें। अब इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई धनिया। अब इसको सर्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।